I think the reason why I'm here is not only because we are doing this for crayons, but मैं खुद girl child के initiative से बहुत closely related हूँ. मिस वर्ल्ड जाने से पहले मैंने 12 लाख रुपीस कलेक्ट करके नन्ही कली को डोनेट किया था आफ्टर विनिंग द पेजेंट. सो आई एम ओनली हैप्पी कि मैं और ज़्यादा यू नो आई एम फ्रॉम नन्ही कली, आई एम नाउ टेकिंग इट टू क्रेयॉन्स. सो आई एम ओनली वेरी हैप्पी एंड यू गाइज आर हेल्पिंग मी सो मच टू टेक इट टू अनदर लेवल. सो आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर. आई थिंक मेन रीज़न जो मैं गर्ल चाइल्ड के लिए फ़ील करती हूँ, क्योंकि आई रियलाइज़ कि काफ़ी जगहों पे ये देश में लड़कियों को उतना सम्मान इज़्ज़त नहीं दिया जाता. द फैक्ट कि मैं जब छोटी थी और मेरे फादर नहीं, मुझे ही नहीं चाहते थे, इसलिए क्योंकि मैं लड़की थी. आई थिंक दैट्स व्हाई आई फील द पेन कि क्या ये गुनाह है कि मैं लड़की हूँ. तो जब अभी छोटे बच्चियों को देखती हूँ तो ऑफकोर्स आई फील फॉर देम, एंड जो भी थोड़ा बहुत मैं कर सकती हूँ वो करने में उनके लिए मुझे बहुत खुशी मिलती है, बिकॉज़ आई सी माई सेल्फ इन देम. मुझे लगता है कि मैं भी, अगर मैं इतनी जब छोटी थी शायद तो नहीं होती, अगर मेरी माँ ने वो कदम नहीं लिया होता तो. सो आई टोटली फील फॉर देम, आई फील फॉर गर्ल्स अ लॉट. आई थिंक आई शुड थैंक बिग FM कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया. अभी तक मैं सिर्फ नन्ही कली से एसोसिएटेड रही हूँ, एंड आई एम ग्लैड कि अभी मैं प्रोजेक्ट क्रेयॉन से भी एसोसिएट हूँ. एंड दिवाली पे मैं कैसे सेलिब्रेट करूँगी, थोड़े कपड़े एंड मिठाइयाँ वो सब साइड में रखी है, एंड मेरी नानी और मैं हम जाएंगे जो यहाँ पे स्लम एरिया में, और वहाँ पे खुशियाँ जितनी हो सके थोड़े इसमें लेकिन हम वो बांटेंगे. एंड इट फील्स रियली नाइस एक्चुअली. हाँ, मेरे फैमिली मेम्बर्स कहते हैं, मुझे तो नहीं पता, लेकिन कहते हैं कि आई एम एक्सट्रीमली पैशनेट अबाउट वर्क, और मुझे नहीं चाहिए कि मैं दो मिनट भी घर पे बैठूँ और काम नहीं हो, बस स्टूडियो में भागो, फिटिंग्स करो, फोटोशूट्स के लिए जाओ, वर्कशॉप्स करो, शूटिंग करो. आई हेट सिटिंग फॉर 10 मिनट्स ऑल्सो होम एंड दे से कि रिलैक्स. सो आई थिंक ये एक चीज़ है जो मैं थोड़ी कम करना चाहूँगी कि आई एम टू एम्बिशियस, ओवरली एम्बिशियस, एंड आई वॉन्ट टू डू एवरी थिंग. इट इज़ वेरी वेरी डिफरेंट. आई एम टेलिंग यू, एज अ सिविलियन आई रिमेंबर आई वॉज इन पूना मेरे फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ, और बिल्डिंग में सभी लोगों के साथ सेलिब्रेट करते थे. इट वॉज नथिंग बट इट वॉज़ ऑल इट आई वुडंट से इट वॉज सेल्फिश बट इट वॉज़ ऑल कि मुझे नए कपड़े चाहिए, मम्मी के लिए ये गिफ्ट खरीदना है, नानी के लिए ये गिफ्ट खरीदना है. दिवाली ये होती थी. अब सेलिब्रिटी, नॉट ओनली सेलिब्रिटी, नाउ यू आर एट अ डिफरेंट लेवल. अब तुम कुछ थोड़ा सा कर सकते हो, अगर 50 लड़कियों के लिए नहीं या बच्चों के लिए नहीं, कम से कम 10 के लिए तो कर ही सकते हो. एंड आई थिंक एक रॉकेट जलाने से अच्छा तुम उसको देखोगे 15 सेकंड के लिए, स्माइल करोगे एंड भूल जाओगे, लेकिन अगर 10 बच्चों को अगर तुम गए और बुक्स एंड क्रेयॉन्स एंड मिठाई का एक चॉकलेट का डब्बा दिया, आई थिंक वो 15 महीने तक उनकी स्माइल जहन में रहेगी. सो आई थिंक दैट्स हाउ आई वुड. आई थिंक मैं सबको ये कहना चाहूँगी कि ऑफकोर्स हैव अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल जॉयस हैप्पी हैप्पी दिवाली, बट इको फ्रेंडली रहिए, इट विल बी रियली नाइस. आई थिंक मोर देन स्पेंडिंग ऑन क्रैकर्स, दिए लगाइए, लाइट्स लगाइए, बिकॉज दिवाली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ लाइट. ज़रूरी नहीं है कि आतिशबाजी हो, पोल्यूशन यू नो होना चाहिए. आई थिंक वी कैन कट डाउन ऑन दैट. खूब सारी मिठाइयाँ खाइए और प्यार और खुशी बांटिए.